नए कृषि कानूनों के विरोध में फरीदकोट में किसान मजदूर एकता यूनियन की ओर से मार्च निकाला गया। इस मार्च में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मार्च में किसानों के अलावा पंजाब के कई समाजसेवी और कलाकार शामिल हुए। किसानों ने कहा नए कृषि कानूनों के रद्द होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली की सीमाओं पर होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। पंजाब से भारी संख्या में किसान जथेबंदियां इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगी। किसानों ने कहा कि 25 जनवरी को ही पंजाब से किसान दिल्ली के बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएंगे। देखो जी, ये संघर्ष लंबे टाइम से चल रहा है। जे आप ज्यादा बरीकी निगाह मारिए तो लंबा इन्ना हो गया कि आप 78, 82, 84, 96 तक, 95 तक संघर्ष ये संबंधित है। असं आनंदपुर साहब का मता इतने फोटो कापियां करवाइया वो इतने बन रहे हैं कि ये जिड़िया असं अज मंगा की गल कर रहे हैं ये समय के मनिया गई सरकार वालों मंगी गई सी कि पंजाब की फसल का रेट पंजाब नू खुद नू मालकीत होनी चाहिए कि पंजाब खुद रेट तय करे। सो असी 26 जनवरी के संबंध में इतने इकट्ठे हुए हैं। ये मार्च किया कि असी सरकार नू दस सकी पंजाब सरकार भी अवेसली है असी दस सकी कि यह संघर्ष जिहड़ा हैगा ये 26 तरीक नू असी उत्थे इकट्ठ करना ते भारत सरकार आजादी दिहाड़ा मना रही है। सो असी आजाद किस तरीके हो गए जिहड़ी चीज़ सानू चाहिए धक्के दी जा रही है। तो कोरोना काल के सरकार कहती है आत्म निर्भर हो जाओ आपदे आप से निर्भर हो जाओ जो तो कमाई का खालो जो नहीं मिलता तो ना सी सरकार सानू उत्थे छड्ड दिंदी है। आज जो चीज़ असी लैनी नहीं सानू धक्के दी जा रही है। सो असी ये कहने भी असी इन्ने गुलाम नहीं हाँ। पंजाब ने यह गुलामी नहीं चली इतिहास पंजाब का वर्ल्ड के